इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं भोपाल से श्योर राग पटेरिया। मध्य प्रदेश में कल नामांकन भरने का आखिरी दिन था। अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त हैं, 230 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं। हो सकता है संख्या कुछ और बढ़ जाए क्योंकि टैबुलेशन अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो यह है कि 30 से ज्यादा सीटों पर भाजपा के बागियों ने भाजपा की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वैसे उन्होंने मैनेज करने की बहुत कोशिश की है और इसके कारण से कुछ बागी बैठे भी हैं, जिनमें जितेंद्र सिंह पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री कुसुम महदेले, पूर्व विधायक रेखा यादव और पूर्व विधायक के श्रीवास्तव। भाजपा ने भाजपा से जुड़ी इस खबर को भास्कर ने काफी प्रमुखता के साथ दिया है, अपनी फर्स्ट लीड में इसका जिक्र किया है। 30 से ज्यादा सीटों पर बागी मैदान में, भाजपा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी, डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू, नामांकन वापसी की आखिरी तारीख यानी 14 तारीख तक ये खेल चलता रहेगा। पार्टियां नाराजों को मनाएंगी, नाराजों की अपनी कुछ बार्गेनिंग कैपेसिटी होगी। मुझे लगता है उसी बार्गेनिंग कैपेसिटी को लेकर पत्रकार ने अपनी फर्स्ट लीड डाली और उन्होंने कहा है, बने या बनाया बागी, अब कुर्सी की सौदेबाजी। दरअसल जिनके टिकट कट गए हैं वो फ्यूचर बार्गेनिंग कर रहे हैं, फ्यूचर सौदों की तरह। इसको पत्रकार ने काफी प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। एक और खबर जो है वो है आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर दो आईएएस अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है, इसको भी पत्रकार ने काफी प्रमुखता के साथ दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दल कुछ भी बात करें लेकिन उनको टिकट देने का क्राइटेरिया कुछ और ही होता है। पत्रकार ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताया है किस तरह जातियों के आधार पर टिकटों को बांटा गया है। कुछ इस तरह की खबर और है कि दिग्गज नेताओं के जो करीबी हैं वही सबसे ज्यादा बागी हुए हैं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।